गोविंदगढ़ में ठगी का मामला सामने आया है और पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने मारपीट कर 42,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गोविंदगढ़ कस्बे में ओलेक्स के जरिए ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें इटावा निवासी युवक के साथ कुछ लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था। वहीं युवक ने बताया कि आरोपी उसे लगभग 4 माह से 8 लाख रुपए क्रेटा गाड़ी खरीदने का फोन कर रहे थे। पीड़ित युवक रविवार को अपने मामा के साथ अलवर पहुंचा था। आरोपी पीड़ित युवक और उसके मामा को अलवर से डीलक्स गाड़ी पर बिठाकर गोविंदगढ़ के हरसोली में स्थित रूपारेल नदी में लेकर आए, जहां पर उनके साथ मारपीट कर 42,000 रुपए छीन लिए और दोनों के साथ मारपीट की। पीड़ित ने इस मामले में गोविंदगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रहने वाले एटा जिला के दिल्ली से आए हैं, दिल्ली काम करते हैं। आपके साथ क्या वारदात हुई थी? सर मेरे को 4 महीने से फ़ोन करे जा रहे थे बराबर, गाड़ी के बारे में बताया था, 8.5 लाख की गाड़ी बताई थी और क्रेटा गाड़ी बताई थी। और मैंने बोला संडे को मेरे पास टाइम रहता है, बाकी तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है। फिर मैं संडे को आया सुबह, मेरे को 2 बंदे लेके आए वहाँ से अपने गाँव की तरफ, और गांव से फिर इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, पैसे छीन लिए, एटीएम कार्ड ले लिया। कौन से गांव लेके आए थे आपको? ये नदी अक्सोली गांव है कोई पास में। आपका संपर्क कैसे हुआ था उनसे? फ़ोन द्वारा। आपके नंबर कहाँ से आए थे? किसी वो उन्होंने बताया मेरे को कि मेरे को किसी ने नंबर दिया है और इसलिए मेरे पास कॉल करी। कॉल कर रहा है 4-5 महीने से बराबर कॉल कर रहा है सुबह शाम डेली। खेड़ली में आपकी कोई रिश्तेदारी है मुंडेपुरी में? नहीं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है यहाँ पे। कितने रुपए की लूटपाट की आपने? 43,000 रुपये था और एटीएम कार्ड ले लिया। ऑनलाइन ठगी के मामले बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में गोविंदगढ़ के हरसोली गांव में ऑनलाइन ठगी का मामला जानकारी में आया है। पीड़ित युवक का कहना है कि आज से 4 माह पूर्व कुछ युवकों द्वारा क्रेटा गाड़ी को 8 लाख रुपए में बेचने की बात कहकर उन्हें बुलाया गया था। पीड़ित कल ही अलवर अपने मामा के साथ आया था। पीड़ित युवक को लेने के लिए सातिर बदमाश अलवर लाल कलर की डीलक्स गाड़ी पर गए थे, जिसके साथ दोनों हरसोली तक बैठकर आए। हरसोली में स्थित रूपारेल नदी में दोनों युवकों के साथ मारपीट की और उनसे 42,000 रुपये और एटीएम कार्ड तथा मोबाइल छीन लिए। किसी तरह से पीड़ित युवक का मामा उनके चुंगल से भागकर आ गया और हरसोली ग्रामीणों की इनको जानकारी दी। ग्रामीणों के आने की सूचना मिलते ही सातिर बदमाश मामा के भांजे को छोड़कर भाग गए, जिसको लेकर पीड़ित ने गोविंदगढ़ थाने में नामजद लोगों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज